हाय गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। आज का वीडियो मैं लेकर आया हूँ हमारे मोटो ब्लॉगिंग सेटअप के बारे में। तो मोटो ब्लॉगिंग सेटअप के बारे में, सेटअप के लिए मैंने एक चीज़ ऑर्डर की थी फ्लिपकार्ट से, जो कि मैं आपको अभी बताता हूँ। गाइस, ये मैंने ऑर्डर किया था 399 रुपीस का, 1000 रुपीस में था हेलमेट माउंट। इसमें आप कैमरा माउंट कर सकते हैं, इसमें अपना एक्शन कैमरा भी माउंट कर सकते हैं। एक्शन कैमरा अभी मैं परचेस करूंगा तब इसको माउंट करूंगा, अभी मैंने सिर्फ ये हेलमेट माउंट परचेस किया है। मैं बस चाहता हूँ कि अभी मोटो ब्लॉगिंग सेटअप होगा कैसे। ये ऑर्डर प्लेस किया था मैंने 25 सितंबर को और 3 अक्टूबर को आज ही मेरे पास डिलीवरी मैसेज आया। तो गाइस ये देखो, हेलमेट माउंट जो है मेरे पास आ चुका है। चलिए इसकी करते हैं अनबॉक्सिंग और मैं बताता हूँ फिर आपको कि इसमें क्या और कैसे माउंट। गोप्रो स्क्रू कन्वर्टर, जो कि गोप्रो वगैरह या बाकी कोई एक्शन कैमरा है हम उसको भी माउंट कर सकते हैं। मैंने फिलहाल तो अभी मैंने ये इसको अपने मोबाइल कैमरे के लिए मंगाया है, मोबाइल कैमरा माउंट के लिए। चलिए इसको करते हैं अनबॉक्स इजीली। ये देखो भाई, चलिए इसको ओपन करते हैं, देखते हैं इसमें क्या क्या दिया है इन लोगों ने। वाओ, वेरी नाइस। ये है मोबाइल को माउंट करने के लिए, ये है मोबाइल को माउंट करने के लिए। क्वालिटी ठीक ठाक है, आई मीन कुछ खास नहीं है इसकी, बिकॉज ये जो है ना, ये जो सॉफ्ट रबर नहीं दिया है, यदि थोड़ा सॉफ्ट होता तो मोबाइल का ग्रिपिंग अच्छा हो सकता है। ये है, और ये है भाई जो हमारे हेलमेट में माउंट हो जाएगा, इस पर जो है हमारा ये कनेक्ट हो जाएगा ऐसे। सो इसको हम हेलमेट माउंट करके हम मोबाइल इस पर माउंट कर सकते हैं। तो चलिए मैं एक बार मैं इसको हेलमेट पर माउंट करता हूँ। हालांकि इसकी क्वालिटी, स्ट्रिप की क्वालिटी बहुत शानदार दी हुई है, रबर भी बहुत सही है। ये जो है यहाँ से खोलेगा और इसमें यहाँ पर माउंट करके देने से हमें माउंट कर सकते। ये जो माउंट है ना, यहाँ पर हम अपना इसका जो है कोई भी एक्शन कैमरा वगैरह माउंट कर सकते हैं। यदि एक्शन कैमरा नहीं माउंट करना है तो हम इसको इस पर मोबाइल होल्डर माउंट कर सकते हैं। सो बहुत ईजी टू यूज़ है। चलिए इसको हेलमेट पर माउंट करता हूँ फिर आपको बताता हूँ। तो गाइस ये देखो, मैंने हेलमेट को जो है ये अपना हेलमेट माउंट जो है कनेक्ट कर लिया है। इसमें मोबाइल माउंट यहाँ सामने लग जाता है। इसमें आप चाहें तो माइक भी कनेक्ट कर सकते हैं, वैसे मेरे पास वायरलेस माइक भी है, तो मैं चाहूँ तो इसका एडाप्टर अपना माइक से कनेक्ट करके एंड देन उसका रिसीवर जो माइक है यहाँ पर कनेक्ट करके एडाप्टर वहाँ कनेक्ट कर सकता हूँ। वायरलेस माइक का आप वीडियो आप देखना चाहते हो तो मैं लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में। ग्रेनेरो का माइक मैंने जो ऑर्डर किया था वो माइक पर कनेक्ट करूंगा। हालांकि मैंने अभी आपको बताने के लिए सिर्फ मैंने ये माइक कनेक्ट किया हुआ है, जो ये मेरे पास ये माइक पड़ा हुआ था, ये है ये वाला माइक, इसका मैंने वायर डाल दिया हेलमेट के अंदर। और ये जो है रिसीवर मैंने यहाँ पर जो कनेक्टर जो मैंने यहाँ बाहर निकाल दिया ताकि मैं मोबाइल से कनेक्ट करूँ। तो ये देखिए कि ऐसा कुछ आपका सेटअप रेडी हो जाता है आपका मोटो ब्लॉगिंग के लिए। और ये फ्रंट से कुछ ऐसा दिखेगा ये, एंड देन साइड से कुछ ऐसा दिखेगा। ये आपका वायर कनेक्ट हो गया, ये आपका माइक कनेक्ट हो गया है, ये माइक का वायर गया, तो अंदर आपका माइक है जो मैंने लगा हुआ था ये देखिए। और मैं आपको बता रहा था कि दूसरा जो है माइक, यदि मैं चाहूँ जैसे मेरे वायरलेस माइक है मेरे पास, तो मैं इसको जैसे मेरा आईफोन, सपोज मैंने आईफोन कनेक्ट किया तो मेरे पास तो ये तो कनेक्टर कनेक्ट होगा नहीं, तो आईफोन कनेक्ट करने के लिए मैं क्या करूंगा, एडाप्टर लगा दूंगा यहाँ पर। जैसे ये रिसीवर मेरे पास है ना, तो रिसीवर यदि मैं यहाँ पर इसमें कनेक्ट कर दूंगा फोन में, और उसके बाद फिर क्या है, ये जो है इसको मैं मोबाइल, ये इसको मैं हेलमेट पर कहीं भी प्लेस कर सकता हूँ। मैं यहाँ यहाँ क्लिप के थ्रू इसको कहीं भी प्लेस कर सकता हूँ, मुझे इस वायर वाले माइक को कनेक्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इफ आई एम कनेक्टिंग आईफोन और एनी एंड्रॉयड फोन ऑल्सो मैं कनेक्ट कर सकता हूँ। तो चलिए एक बार अपन चलकर देखते हैं कि इसमें आउटडोर टेस्टिंग में इसका फुटेज कैसा लगता है। चलो चलते हैं। यहाँ पर मैंने कैमरा पर हेलमेट माउंट पर कैमरा माउंट कर लिया है। एक कैमरे से मेरा शूट हो रहा है जो कि मेरा वायरलेस माइक से कनेक्टेड है, तो इसका ऑडियो आपको उसमें मिल रहा होगा। अभी इसमें जो मैं चला के दिखाऊंगा, चला के दिखाऊंगा ये भी, इसमें भी मैंने एक लेपल माइक कनेक्ट कर लिया है ये जो है कनेक्टर के थ्रू। अभी मैं यहाँ से चलता हूँ, देखते हैं इसमें हमें इसका फुटेज कैसा मिलता है। चलिए Thank you.
अभी जो है मैं बोल रहा हूँ लेपल माइक के थ्रू, ठीक है। तो लेपल माइक में आपको जो भी ऑडियो आ रहा है, आई डोंट नो कैसा रिकॉर्ड हो रहा है, क्या रिकॉर्ड हो रहा है, मतलब रिकॉर्ड हो रहा है या नहीं हो रहा है वो मुझे नहीं पता। एक बार रिकॉर्ड हो जाए, एक बार फुटेज चेक करूँगा तभी मुझे पता चलेगा। सो ये जो फुटेज है इस तरीके का दिख रहा है। अभी मेरे पास जो है जैसा इस कैमरे में स्टेबलाइजेशन नहीं है, तो वीडियो थोड़ा सा आपको जर्की लग सकता है। बाकी हम धीरे धीरे मैं स्लो ही चला रहा हूँ इसलिए, तो इसकी वजह से ये है कि भाई जो कैमरा मेरे पास जो मोबाइल मेरे उसमें माउंट हुआ है ना आगे, उस वजह से हेलमेट थोड़ा मुझे हैवी लग रहा है, क्योंकि हम लंबे रूट में प्रेफर नहीं कर सकते इस चीज़ को। आपका सर गर्दन पूरा पेन होने लगेगा। अभी बाइक का नॉइज़ भी कितना आ रहा होगा आपको आइडिया है। बाकी फुटेज देखने में आप देख कर आप बताइएगा। मुझे लगता है कि हम इसको लॉन्ग रूट पर प्रेफर नहीं कर पाएंगे, छोटे मोटे लोकल वगैरह के लिए, लोकल ट्रैवल के लिए यदि आप मोबाइल कनेक्ट करके डायरेक्टली ब्लॉक करना चाहते हैं तो उस हिसाब से ठीक है। बाकी हेलमेट बहुत हैवी लगता है इसमें बिकॉज ऑफ द मोबाइल वेट। जैसे एक्शन कैमराज होते हैं वो थोड़ा सा लाइट वेट होते हैं, तो वो इसमें थोड़ा सा हमें कम्फर्टेबल फील होता है। अभी देखिए मैं वापस आ गया एकदम मार्केट के सामने खड़ा है। बस अभी हम यहाँ रुकते हैं और ये हो गया हमारा टेस्टिंग वीडियो। तो चलिए गाइस इस वीडियो को करते हैं यही समाप्त। ये था हमारा मोटर ब्लॉगिंग के लिए जो सेटअप है उसका वीडियो। अभी मैंने फुटेज चेक नहीं किया है, मैं फुटेज चेक करूंगा एक बार, तब मुझे पता चल गया कि एग्जैक्टली कैसा इसका फुटेज आ रहा है। बट हाँ, मुझे जो प्रॉब्लम लगी है वो हेलमेट की, कि हेलमेट बहुत हैवी हो जाता है, जो कि हम लोग लॉन्ग रूट पर प्रेफर नहीं कर पाएंगे इस चीज़ को। सो शॉर्ट रूट के लिए, लोकल चलने के लिए सही है, उस हिसाब से हमें परफेक्ट है। हम जिसके पास एक्शन कैमरा नहीं है, वो ब्लॉक करना चाहता है छोटा मोटा, तो मोबाइल को लेकर ब्लॉक कर सकता है। अभी हम जा रहे हैं जबलपुर दशहरा देखने के लिए, तो अगले ब्लॉक में आप हमारे साथ देखेंगे दशहरे के व्यूज, दशहरा का व्यू जो कि जबलपुर का बहुत फेमस है। तो चलिए इस वीडियो को करते हैं यहीं समाप्त। ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब बटन दबा कर जाइएगा प्लीज़। ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियोज़ आपको मिलते रहेंगे। धन्यवाद।